गुड मॉर्निंग। आज मैं हिंदी व्याकरण में आपको वाक्य के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे तो वाक्य के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे वाक्य और वाक्य के भेद। सबसे पहले देखेंगे हम लोग वाक्य किसको कहते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या है। वैसे तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शब्दों का सार्थक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रयुक्त समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। शब्दों का समूह हो वह कैसा हो, सार्थक हो, सार्थक शब्दों का समूह हो, वह क्रमबद्ध हो माने एक के बाद एक क्रम के अनुसार हो, फिर व्यवस्थित रूप से इधर उधर नहीं लेकिन एक व्यवस्थित रूप में सजाया हुआ शब्दों का समूह। तो वाक्य क्या है, शब्दों का सार्थक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया गया शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, माँ खाना बना रही है, यह वाक्य जो है आप देख रहे हैं एक व्यवस्थित रूप में क्रम से सजाया हुआ अर्थपूर्ण शब्दों का समूह है। जैसे माँ, हम नहीं बोलते हैं बना रही खाना है माँ, ऐसा नहीं कहते हैं, ये व्यवस्थित रूप से क्रम के साथ सजाया हुआ शब्दों का समूह है और अर्थपूर्ण समूह है। तो व्यवस्थित रूप से सार्थक और क्रमबद्ध शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब देखेंगे किसी भी वाक्य में रचना करने के लिए या किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, वाक्य रचना में वाक्य बनाने में कर्ता और क्रिया ये अनिवार्य अंग होते हैं। कर्ता और क्रिया अनिवार्य अंग है किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, इनके बिना वाक्य की रचना नहीं होगी। हम लोग कर्ता और क्रिया के अलावा और भी चीज़ों को और भी तत्वों को उसमें वाक्य में हम लोग पाते हैं, वे तो होते ही हैं, इनके अलावे और भी तत्व वाक्य में शामिल होते हैं, लेकिन कर्ता और क्रिया इन दोनों के बिना वाक्य नहीं बन सकता। इसलिए इसमें और भी तत्व शामिल किए जा सकते हैं लेकिन कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य संपूर्ण नहीं होता या वाक्य नहीं बनता। इसलिए किसी भी वाक्य को बनाने के लिए कर्ता और क्रिया का होना बहुत जरूरी है। आइए देखेंगे हम लोग किसी भी वाक्य में ना कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया के आधार पर। जैसे हमने देखा कि वाक्य में कर्ता और क्रिया होना जरूरी है, तो कर्ता और क्रिया के आधार पर किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, एक क्या होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसको कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है, और जिस उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय कहलाता है। एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे दोनों को, उद्देश्य और विधेय क्या है। यहाँ एक उदाहरण देखते हैं, जैसे गीता लिखती है, वाक्य है गीता लिखती है। यहाँ पर अगर हम कर्ता और क्रिया के अनुसार देखें तो यहाँ गीता क्या है, कर्ता है, और लिखती है क्रिया है, जो कि किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना बहुत जरूरी है। लेकिन वाक्य के कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद हैं, उसमें हमने देखा उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय के अनुसार हम देखेंगे तो क्या है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि गीता के बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, गीता के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए क्या है गीता शब्द जो है वह क्या है उद्देश्य है, और लिखती है, लिखती है ये क्या है विधेय है, यानी कि इसके बारे में बताया जा रहा है वह क्या करती है लिखती है, यानी कि उद्देश्य के बारे में
बताया जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, नहीं कुछ भी कहते हैं, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। यानी कि यहाँ पर गीता उद्देश्य है और युक्ति है विधेय। गीता के बारे में बताया जा रहा है कि वह युक्ति है, किसके बारे में कहा जा रहा है, गीता के बारे में। गीता उद्देश्य और युक्ति है विधेय। अब हम लोग देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य को वर्गीकृत करने के लिए दो आधार बताए जाते हैं, यानी कि दो आधारों पर वाक्य का वर्गीकरण किया जाता है। एक है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हमने नवीं कक्षा में पढ़ लिए, नवीं कक्षा में हम लोग अर्थ के आधार पर पढ़ लिए हैं, और हमें पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। कौन कौन है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम जानेंगे कि किनको सरल वाक्य कहते हैं, किनको संयुक्त वाक्य कहते हैं, किनको मिश्र वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि और भी उसमें कुछ तत्व हो सकते हैं, लेकिन वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तो उसको क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया, इनके अलावे और भी शब्दों का और भी तत्व हो सकता है, और भी वाक्य में इसमें तत्व जुड़े हो सकते हैं, लेकिन एक कर्ता और एक क्रिया होता है या एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसको हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य। जैसे उदाहरण हम लोग देखेंगे, यहाँ भी हमने देखा था गीता लिखती है, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे सरल वाक्य, साधारण वाक्य। बिजली चमकती है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी कि बिजली चमकती है, बिजली उद्देश्य है और ये विधेय है ना। बिजली तेज चमकती है, ऐसा भी हो सकता था, अन्य तत्व इसमें शामिल होता, विशेषण शब्द हो जाता, बिजली तेज चमकती है। तो यहाँ पर क्या है? बिजली शब्द है वह उद्देश्य है और यह चमकती है विधेय। ये एक साधारण वाक्य है, इसमें बीच में और भी कोई शब्द हम जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि हमें देखना इसमें कर्ता और क्रिया होती है। अगर हम लोग देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, यानी कि दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य शब्दों के द्वारा, कौन से शब्दों के द्वारा? योजक शब्दों के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग संयुक्त वाक्य। जैसे उदाहरण से हम लोग समझेंगे, उदाहरण से स्पष्ट है। रीता कहानी पढ़ती है और गीता कहानी लिखती है। यहाँ पर दो वाक्य है ना, दो वाक्य है, रीता कहानी पढ़ती है और गीता कहानी लिखती है। तो यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या है? और ये और शब्द से हम पहचान लेंगे कि यह वाक्य दो, ये शब्द जो है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो जहाँ भी जिस शब्द के द्वारा दो वाक्य जोड़ दिए जाते हैं वो वाक्य कहलाता है क्या? संयुक्त वाक्य। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, वह पढ़ा लिखा है परंतु विद्वान नहीं। यहाँ पर दोनों वाक्यों को, वह विद्वान नहीं है और वह पढ़ा लिखा नहीं है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या है? परंतु। तो ये परंतु यहाँ पर योजक शब्द हो गया और इसके द्वारा हम पहचान लेंगे कि ये दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या है? परंतु। और इसके साथ हम जान जाएंगे कि पता हमें चल जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, जोड़ने वाला शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। और परंतु के अलावा और भी बहुत सारे योजक शब्द होते हैं जिनके द्वारा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के लाभ को दिया है, और तथा एवं पर परंतु लेकिन अपितु किंतु मगर या अन्यथा
ना कि अतः फलतः परिणाम स्वरूप इसलिए क्योंकि चूंकि ताकि मानो कि आदि जैसे शब्द संयोजक शब्द हैं या योजक शब्द कहलाते हैं और इन शब्दों को दो वाक्यों के बीच रख करके क्या किया जाता है वाक्य को जोड़ दिया जाता है, दो वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। तो ये है संयुक्त वाक्य। अब तीसरा है मिश्र वाक्य। अब हम देखेंगे मिश्र वाक्य के बारे में। मिश्र वाक्य में क्या है, जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य और दूसरा वाक्य आश्रित उपवाक्य होता है। जिस वाक्य में पहला वाक्य एक वाक्य पहला या दूसरा वो किसी में भी हो सकता है, लेकिन जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा वाक्य गौण या आश्रित उपवाक्य हो उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें आश्रित उपवाक्य स्वयं सार्थक नहीं होते। मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य होता है, तो मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होता है वह अपने आप में वे अर्थपूर्ण नहीं होते, वे सार्थक नहीं होते, लेकिन वे मुख्य वाक्य के साथ जुड़ने के बाद उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य स्वयं अपने आप सार्थक नहीं होते हैं, लेकिन मुख्य वाक्य के साथ जुड़ने के बाद उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य। जैसे एक उदाहरण हम लोग देखेंगे, वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ना सुना। इस वाक्य में वह कौन सा मनुष्य ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है, और जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ना सुना हो ये आश्रित उपवाक्य है। इस वाक्य में अगर हम केवल इस भाग को लेते हैं तो जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ना सुना हो ये अपने आप में अर्थ स्पष्ट पूर्ण रूप से नहीं कर रहे जब तक कि इनको इनके साथ इस वाक्य के साथ नहीं जोड़ा जाता है। तो वह कौन सा मनुष्य है, इस वाक्य में वह कौन सा मनुष्य है, वह क्या है, मुख्य वाक्य है और दूसरा वाक्य जो है वह आश्रित वाक्य है। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। ये देखना है मिश्र वाक्य में कि एक प्रधान और एक आश्रित। आश्रित वाक्य के साथ प्रधान वाक्य होगा तभी वो मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो हम लोग देख चुके वाक्य के बारे में। धन्यवाद।